सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटेसी गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो मैच खेला जाएगा ACW वर्सेस ICB के भी जो फ्रेंड्स मैच खेला जाएगा ECS T10 लीग का, इसका मैं आपको टूर्नामेंट टीम देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं करते तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले अपनी टीम क्रिएट कर पाए। बात करते हैं फ्रेंड्स इस मैच की वेन्यू की, जो सैबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेला जाएगा, जहाँ पिचेस ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहती है जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों का ही सपोर्ट करती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर की, तो 112 के आसपास रहने वाला, वहीं सेकंड इनिंग के एवरेज स्कोर की बात करें तो तकरीबन 104 के आसपास रहने वाला है। अब चलते फ्रेंड्स इस मैच की प्लेइंग 11 की तरफ। तो फ्रेंड्स, प्लेइंग 11 की तरफ जाने से पहले अगर आप लोग भी जो है इस मैच से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट या न्यूज पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया गया, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स लिंक वर्क नहीं करता तो आपको जो है कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पे जाने के बाद जो आपको XYZ सर्च करना है। जैसे आप इधर फ्रेंड्स XYZ सर्च करेंगे तो आपको जो फैंटेसी गुरुजी का जो ऑफिशियल चैनल है ये दिख जाएगा। यहाँ पे अभी फिलहाल 500 प्लस सब्सक्राइबर, आप जाके इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको इसमें से रिलेटिव कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट या न्यूज़ आता तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे कुछ भी न्यूज़ वगैरह से लेकर यहाँ तक कि टीम, मतलब यहाँ पे जो है लाइन अप आउट होने के बाद टीम भी प्रोवाइड किया जाता है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं फ्रेंड्स जैसे ACW की प्लेइंग 11 की, तो देखिए नवीन और हसन अफाक ये दोनों ओपन करते नजर आएंगे। दोनों की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हैं। नवीन जो है अभी तक अपनी टीम के लिए 71 मैचेस खेले जिसमें कि ये 1201 रन बना के दिए। विकेट की बात करते हैं तो विकेट भी अपनी टीम के लिए 67 विकेट निकाल के दिए हैं। फ्रेंड्स, नवीन बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही करते हैं, काफ़ी जबरदस्त प्लेयर है। आपको जो मतलब एक से दो ओवर हर मैच में बॉलिंग करते नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर आप इनका बैटिंग से एवरेज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15 के आसपास का एवरेज स्कोर है, अगर आप चाहे तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर लीजिए। वहीं हसन अफाक की बात करते थे, ये 7 मैचेस के लिए जिसमें कि 101 रन बना के दिए। विकेट की बात करते तो विकेट भी अपनी टीम के लिए 16 निकाल के दिए। काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला, अगर आप अपनी टीम बना रहे तो आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर आप इनका बॉलिंग से परफॉर्मेंस देखेंगे तो फिर 7 मैच में 16 विकेट निकाल के दें तो आप इनको अपनी टीम में चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं तो आप सिटी रजई को ट्राई कर सकते हैं। 25 मैचेस खेले जिसमें कि 266 रन बना के दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ग्रैंड लीग खेले तभी ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज आप इनको अपनी टीम से अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि बैटिंग से हालांकि फॉर्म में ऐसा बात नहीं, लेकिन अगर आप इनका एवरेज स्कोर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 11 से 12 के आसपास का एवरेज स्कोर है। तो इस वजह से अगर आप मिनी ग्रैंड लीग या फिर ग्रैंड लीग खेले तभी ट्राई कीजिएगा। स्मॉल लीग अगर जैसे हेड टू हेड 3 मेंबर या 4 मेंबर वाली लीग खेले तो आप इनको अपनी टीम से अवॉइड कर दीजिए। नंबर 4 की बात करते हैं तो आप यहाँ से जो है सत्यम सुभाष को ट्राई कर सकते हैं 26 मैचेस के लिए, जिसमें कि 440 रन बना के दिए। विकेट की बात करते हैं तो विकेट भी अपनी टीम के लिए 28 निकाल के दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले। अगर आप चाहें तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इनका बैटिंग से एवरेज देखेंगे तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट जो है 15 के आसपास का एवरेज स्कोर है। साथ ही साथ हर मैच में एक एक विकेट करके निकाल के दे रहे, तो ऐसे में आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। नंबर 5 की बात करें तो आप इससे लकमल कस्तूरी को ट्राई कर सकते हैं 29 मैचेस के लिए, जिसमें कि 441 रन बना के दिए। विकेट की बात करें तो 59 विकेट निकाल के दिए, ठीक ठाक प्लेयर फ्रेंड्स। अगर आप इनका एवरेज स्कोर देखेंगे तो 12 से 13 के आसपास का एवरेज स्कोर है। और विकेट की बात करें तो फ्रेंड्स हर मैच में लगभग 2 विकेट करके निकाल के दे रहे, तो ऐसे में आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग भी करके दे रहे। अगर फ्रेंड 10 रन भी बनाते और अपनी टीम के लिए आपको एक विकेट भी कम से कम निकाल के दे देते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 6 की बात करें तो आप इसे अमित फरहर को ट्राई कर सकते हैं 10 मैचेस के लिए, 186 रन बना के दिए। विकेट की बात करते तो अपनी टीम के लिए 11 विकेट भी निकाल के दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए, स्मॉल लीग में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा। नंबर 7 पे जो आपको जैमल खेलते नजर आएंगे 22 मैचेस के लिए, जिसमें कि 286 रन बना के दिए। उतना कोई खास इनका परफॉर्मेंस है नहीं, तो फिलहाल आप इनको अपनी टीम से अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि देखिए नंबर 7 पे ये सिर्फ और सिर्फ आपको बैटिंग करके देंगे। अब प्लस नंबर 7 पे बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं नहीं, तो फ्रेंड्स क्या पता नंबर 7 तक बैटिंग जाए या ना जाए, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ आप इनको अपनी टीम में ट्राई मत कीजिएगा। नंबर 8 की बात करें तो आप इसे सरफराज जादरन को ट्राई कर सकते हैं 29 मैचेस के लिए, जिसमें कि 187 रन बना के दिए। विकेट की बात करें तो अपनी टीम के लिए 2 विकेट भी निकाल के दिए, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले। हालांकि अगर आप इनका देखेंगे तो बॉलिंग से परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं कर रहे, बैटिंग से थोड़ा बहुत डोमेस्टिक मैचेस में परफॉर्मेंस किए थे। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि फ्रेंड्स अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे या फिर अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे उसमें तब भी आप इनको ट्राई मत कीजिए, क्योंकि बॉलिंग से बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
नंबर 9 की बात करते तो सरन गिल खेलते नजर आएंगे, अभी तक 29 मैचेस खेले जिसमें 29 विकेट निकाल के दिए, यानी फ्रेंड्स हर मैच में जो है एक एक विकेट करके निकाल के दे रहे थे, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। नंबर 10 पे जो आपको फरहान मोहिदीनी खेलते नजर आएंगे, 4 मैचेस खेले 4 विकेट निकाल के दिए, एवरेज प्लेयर है, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ नंबर 11 की बात करें तो आप ये सब प्रणव खन्ना को ट्राई कर सकते हो जो कि 12 मैचेस खेले और अपनी टीम के लिए 15 विकेट निकाल के दिए हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स आईसीबी की प्लेइंग 11 की, तो देखिए ये गोपी कृष्णा और सुमित धीर ये दोनों ओपन करते नजर आएंगे। दोनों की परफॉर्मेंस की बात करते तो गोपी कृष्णा अभी तक 2 मैचेस अपनी टीम के लिए खेले जिसमें कि 23 रन बनाए, उतना कोई खास इनका परफॉर्मेंस है नहीं। गोपी कृष्णा की बात करते तो फ्रेंड्स आपको ड्रीम इलेवन पे विकेट कीपर सेक्शन में मिल जाएंगे, अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं सुमित धीर की, 2 मैचेस के लिए 1 रन बनाए, बहुत ही बुरे फॉर्म है फ्रेंड्स, और हो सकता है कि इनको जब इस मैच में प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है, तो अगर आप इनको ट्राई करें तो आप इनको अपनी टीम में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। ग्रैंड लीग खेल रहे तभी ट्राई कीजिए, अदरवाइज आप इनको अपनी टीम में ट्राई बिल्कुल भी मत कीजिए। नंबर 3 पे जो आपको सुमर खेलते नजर आएंगे, अभी तक अपने टीम के लिए 4 मैचेस खेले 21 रन बना के दिए, इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन है, ग्रैंड लीग खेल रहे तभी ट्राई कीजिए, अदरवाइज आप इनको अपनी टीम से अवॉइड करके जाइए। नंबर 4 की बात करें तो आप इसे उटमस जई को ट्राई कर सकते हैं, 3 मैचेस के लिए 98 रन बना के दिए, अगर आप इनका बैटिंग एवरेज देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर मैच में तकरीबन 33 रन करके बना के दे रहे हैं, इनका जो एवरेज है तकरीबन 33 के आसपास का रहा है, तो आप इनको अपनी टीम में चाहे तो ट्राई कर सकती है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए काफी अच्छे ऑप्शन बन जाएंगे। नंबर 5 की बात करें तो आप इसे कुणाल जोशी को ट्राई कर सकते हैं, 4 मैचेस के लिए 94 रन बना के दिए, विकेट की बात करते तो 1 विकेट निकाल के दिए, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले, अगर आप इनका बैटिंग से एवरेज देखेंगे तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 25 के आसपास का एवरेज है, साथ ही साथ अपने टीम के लिए 1 विकेट भी निकाल के दिए 4 मैचेस में, यानी फ्रेंड्स आपको जो है बैटिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत पार्ट टाइमर गेंदबाजी भी करते नजर आ जाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। नंबर 6 की बात करें तो आप इसे कुमू झा को ट्राई कर सकते हैं, 3 मैचेस के लिए 9 रन बना के दिए, फ्रेंड्स देखिए बैटिंग से बहुत ही बुरे फॉर्म में, अगर आप इनका बैटिंग से एवरेज देखेंगे तो सिर्फ अपनी टीम के लिए हर मैच में 3 रन करके बना के दे रहे, लेकिन वहीं अगर आप इनका बॉलिंग देखेंगे तो फ्रेंड्स 3 मैच में 10 विकेट निकाल के दिए, यानी फ्रेंड्स हर मैच में 3 विकेट करके निकाल के दे रहे, यानी फ्रेंड्स 3 विकेट से ज़्यादा ही निकाल के दे रहे, किसी मैच में 4 विकेट तो किसी मैच में 3 विकेट निकाल के दे रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे, अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो आप चाहे तो इनको अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी दे सकते हैं। स्टार्टिंग के मैच में अपनी टीम के लिए 5 या 6 विकेट निकाल के दिए थे, बाकी के लास्ट के 2 मैचेस में 2-2 विकेट या 3 या 2 विकेट ऐसे करके निकाल के दिए, तो ऐसे में इनको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। नंबर 7 की बात करें तो आप ऐसे मनी सिंह को लेके जा सकते हैं, 2 मैचेस के लिए 3 विकेट निकाल के दिए, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे, अगर आप इनका भी रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो काफ़ी अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हैं। बात करते हैं नंबर 8 की, तो आप ऐसे अहमद गनी लेके जा सकते हैं, 2 मैचेस के लिए 29 रन बना के दिए, विकेट की बात करते तो अपनी टीम के लिए 1 विकेट भी निकाल के दिए, तो ठीक ठाक प्लेयर है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, हालांकि बैटिंग से परफॉर्म करके दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी, लेकिन विकेट आपको निकाल के देंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना। नंबर 9 की बात करते तो आप इसे डुडू जादरन को ट्राई कर सकते हैं, 4 मैचेस के लिए 30 रन बना के दिए, विकेट की बात करते अपनी टीम के लिए 7 विकेट निकाल के दिए, अगर आप इनका बॉलिंग से एवरेज देखेंगे तो हर मैच में तकरीबन 2 से 3 विकेट करके निकाल के दे रहे, साथ ही साथ थोड़ी बहुत बैटिंग से भी स्कोर कर लेते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 10 की बात करते हैं आप इसे जहरी उल्ला को ट्राई कर सकते हैं, 2 मैचेस के लिए 1 विकेट निकाल के दिए, उतना कोई खासा फॉर्म में है नहीं, तो फिलहाल आप इनको अपनी टीम से अवॉइड कर दीजिए। नंबर 11 की बात करते हैं आप इसे जी संधू को ट्राई कर सकते हैं, 4 मैचेस के लिए 4 विकेट निकाल के दिए, यानी फ्रेंड्स हर मैच में 1-1 विकेट निकाल के दे रहे, अगर आप इनका इकोनॉमिक रेट भी देखेंगे तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 4 से 5 के आसपास का इकोनॉमिक रेट है, जो कि T10 के लिहाज बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस मैच की कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो देखिए एच अफाक और के जोशी ये तीन ऑप्शन आपके लिए है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, आप इन तीनों में से किसी का भी जो अपने हिसाब से कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्मॉल लीग खेले थे फिर तभी आप इन तीनों के कैप्टन बने, अगर आप ग्रैंड लीग खेले तो आप अपने हिसाब से कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते अपने ड्रीमैन टीम की तरफ, जहाँ की मैं आज के लिए पहले से टीम बना के रखा हूँ, तो फिर अगर आपको अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। विकेट कीपर सेक्शन की बात करते तो आप ऐसे हुसैन को ट्राई कर सकते हैं, फिलहाल मैं हुसैन को ट्राई कर रहा हूँ, हालांकि आपके पास विकेट कीपर में 2 ऑप्शन है, एक ऐसे एम चीमा का और एक हुसैन का, ये दोनों में से आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। आप अगर यहाँ से चाहे तो जामिल को भी ट्राई कर सकते हैं, जामिल भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन अगर आप इनका
बैटिंग एवरेज देखेंगे तो उतना कोई खासा नहीं होता, इस वजह से मैं इनको अपनी टीम से अवॉइड कर रहा हूँ। फिलहाल आप इसे हुसैन को ही ट्राई करें तो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो आप हुसैन को ही लेके जाइएगा। बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं तो फिलहाल ऐसे में मतलब एच अफा को अपनी टीम में ट्राई करो, साथ ही साथ ऑटमोस जे को अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। लास्ट ऑप्शन की बात करते तो आप ऐसे टी रजा को ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बोला था कि टी रजा को ना ले, लेकिन फ्रेंड्स देखिए इनके अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। अगर आप टी रजा को नहीं लेना चाहते तो आप इनकी जगह में जो ये मतलब चैबरा को ट्राई कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से कि चोपड़ा को लेके जा सकते हैं। चैबरा फ्रेंड्स खेलेंगे नहीं खेलेंगे कोई कंफर्म नहीं, लेकिन अगर ये खेलते तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। हालांकि आईसीबी की तरफ से न्यूज़ तो ये है कि इस मैच में ये खेल सकते हैं। बाकी अगर आप कि चोपड़ा को ट्राई करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये खेलेंगे नहीं खेलेंगे कोई कन्फर्म नहीं है। लेकिन टी रजा इस मैच में खेलेंगे तो इस वजह से मैं इनको अपनी टीम में ट्राई कर ले रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते तो फिलहाल इसमें चार ऑलराउंडर के साथ जा रहा हूँ, जिसमें कि के जोशी, एल कस्तूरी, के झा और लास्ट ऑप्शन की बात करें तो एम सिंह को ट्राई कर सकते हैं। ये चार ऑलराउंडर आपके लिए बेस्ट है। हालांकि इन चारों के अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, जिससे कि आप ऐसे एस कॉल को ट्राई कर सकते हैं या फिर आप ऐसे एस सुभाष को भी लेके जा सकते हैं। लेकिन आप इन दोनों का तभी ट्राई कीजिए जब आप बड़ी लीग्स खेल रहे जैसे कि ग्रैंड लीग या फिर मिनी ग्रैंड लीग खेल रहे हो। बाकी जैसे बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की तो आप इसे डी मतलब तीन बॉलर के साथ जा रहे हैं, जिसमें कि डी ज़्यादा रन सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाले, साथ ही साथ एस गिल को लेके जा सकते हैं। वहीं लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो आप इसे जी संधू को भी ट्राई कर सकते हैं। इनके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि आप इसे एफ मोहिदीनी को ट्राई कर सकते हैं। आप यहाँ से एस गिल को हटा के आप यहाँ से एफ मोहिदीनी को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ से मैं एस गिल को ट्राई कर ले रहा हूँ। अगर मुझे लास्ट में मतलब टीम चेंज करना रहा तो फिर मैं एस गिल को हटा के एफ मोहिदीनी को ट्राई कर लूँगा। कैप्टन और कैप्टन की बात करें जैसे मैं कि जहाँ को कैप्टन दे रहा हूँ, वहीं वाइस कैप्टन की बात करें जैसे मैं एच एफ आ को वाइस कैप्टन दे रहा हूँ। हालांकि वाइस कैप्टन आप अपने हिसाब से किसी को भी रख सकते हैं या फिर ऐसे कि जोशी या फिर कस्तूरी को भी बना सकते हैं वाइस कैप्टन। अगर आप बॉलिंग सेक्शन में वाइस कैप्टन देना चाहते हैं तो आप इसे डी ज़्यादा रन को भी दे सकते हैं। टीम प्रूव की बात करते तो फिर दे सकते, ये मेरा टीम प्रूव है। अगर आप इस टीम के साथ जाना चाहते तो जा सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ी बहुत टीम चेंजेस करके बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।